सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। Rishto.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ारु छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो Rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लास नगर शहर में 10 वर्ष पहले बस सेवा शुरू थी, पर कुछ कारणों की वजह से बस सेवा को बंद किया गया था। पर अब शहरवासियों के लिए एक खुशखबर ऐसी है कि अब फिर से यह परिवहन सेवा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से कुछ महीने पहले टेंडर भी निकाला गया था, जिसके लिए एक कंपनी को 20 बसों को चलाने का वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया है, जिसमें से आज एक बस को ट्रायल के लिए उल्लासनगर शहर लाया गया था, जहां शहर के रास्तों पर बस को चलाने में क्या क्या रुकावटें आ रही हैं और शहर में बस के लिए कौन से स्टॉप होंगे, इन सभी बातों को ट्रायल के माध्यम से विचार किया जाएगा। नवंबर या दिसंबर महीने में शहर में 10 बसों की शुरुआत हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि उल्लासनगर शहर के जिन रास्तों पर यह बसें चलने वाली हैं, वे तकरीबन सभी रास्तों की दुरावस्था है, जहां रास्तों में गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ता, यह पता ही नहीं चलता। इन रास्तों की दुरुस्ती न करते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से यह इलेक्ट्रिक बसों को शहर में लाया जा रहा है, तो अब यह देखना होगा कि यह बसें शहर के इन खराब रास्तों पर कितने महीने चलती हैं। पहले उल्लासनगर सिटी में अपनी एक परिवहन सेवा चलती थी और कुछ कारणवश वो एक 10 साल पहले बंद हुई है। अभी ये सेवा फिर से चालू हो, ऐसा ये यहाँ के सिटीजन्स की भी इच्छा थी। हमारे जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, माननीय खासदार महोदय, हमारे आमदार महोदय, हमारे परिवहन समिति, ये सबका भी इच्छा था और इसके अनुसार हमने इसका कुछ दिनों पहले निविदा प्रक्रिया किया और उसके बाद एक पिनाकल नाम की कंपनी है पुणे की, उसको हमने ये वर्क ऑर्डर दिया है। ये कंपनी ने आज ये एक व्हीकल यहाँ पे लाया है, जो ट्रायल के लिए लाया है, ट्रायल बेसिस पर लाया है और ये अभी सिटी में घूमेगी। यहाँ के जो सभी रोड्स है जहाँ पर ये घूमने वाली है, उसका पूरा ट्रायल लिया जाएगा और उसके अलावा इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो वो भी हम बना रहे हैं। वो भी मतलब जो चार्जिंग स्टेशन वगैरह है वो भी अपना कंप्लीट हुआ है। उसके अलावा डिपो का भी काम जो है अपन जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। इस तरीके से हमने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और अपने पास इनिशियली 20 गाड़ियां आएंगी, जिसमें 10 गाड़ियां जो बड़ी रहेंगी, मतलब 48 सीटर रहेंगी, 10 गाड़ियां जो रहेंगी वो छोटी रहेंगी, इन द सेंस 31 सीटर रहेंगी। और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में इसका उद्घाटन हो जाए, सॉरी नेक्स्ट मंथ में इसका उद्घाटन हो जाएगा। गए 10 साल में जो बस सेवा बंद हुई थी, हमने जैसे ही हमारी परिवहन समिति स्थापन हुई, यहाँ पे हमने कोशिश की कि बस चालू होनी चाहिए। इसके लिए हमने पहले कमिश्नर थे दयानिधि, उनसे मिले, लेकिन वहाँ पे हमको कुछ पॉजिटिव नहीं लगा। जैसे शेख साहब आए, उन्होंने पॉजिटिव लेके एक सरकारी अधिकारी किस तरह से काम कर सकता है उस उल्लासनगर शहर को उन्होंने दिखा दिया। 5-6 महीने में उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, आज देख रहे हैं आप, ट्रायल बेसिस पे बस चालू हो गई है और ये बस अभी जैसा उन्होंने कहा, ये आने वाले एक महीने के अंदर शहरवासियों को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, और हम सब पार्टी के लोगों की भी अपेक्षा थी कि उल्लासनगर में जो सेवा बंद हुई है वो चालू हो जाए। और ये इसके लिए मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे खासदार साहब, हमारे मंत्री साहब और शहरवासियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ इस बारे में। कितने बसेस आएगी और कब तक आएगी ये शहर में, कब से दौड़ना चालू हो जाएगी? ये टोटल 20 बसेस है, उसमें से 10 बसेस बड़ी है और 10 बसेस छोटी है। बस जो 10 बसेस है वो 48 सीटर बड़ी बसेस है और छोटी बसेस जो है वो 31 सीटर है। ये आने वाले समय में, जैसा आपने अभी सुना होगा कि कमिश्नर साहब ने कहा है कि आने वाले एक महीने के अंदर ये बसेस आपको शहरवासियों की सेवा में उपलब्ध हो जाएगी।
आज मला अतिशय आनंद होत आहे शहरवासियांना ही बस सेवा आपल्या शहरासाठी उपलब्ध करून देण्याची जी उल्हासनगर महापालिकेची मागील 2 वर्षापासून जी सुरू केलेली प्रक्रिया आज बस प्रत्यक्ष या शहरामध्ये ट्रायलला उपलब्ध झाल्यानंतर पूर्ण झाल्याचं आपल्याला प्रत्यक्ष पाहायला मिळत आहे। ही बस सेवा आपली 20 बसेसच्या अनुषंगाने सुरू होत आहे, त्यामध्ये 10 बसेस एसी आणि मोठ्या राहणार आहेत 12 मीटरच्या आणि 10 बसेस 9 मीटरच्या छोट्या साईजच्या राहणार आहेत। या 10 बसेस छोट्या ज्या आहेत ते उल्हासनगर शहरामध्ये आपल्या रस्त्याची जी अरुंदी आहे त्या अनुषंगाने आपण घेतलेल्या आहेत आणि ज्या मोठ्या बसेस आहेत ते लॉंग रूटला शहराला आपल्याला कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी ठेवलेल्या आहेत। आपण या सर्व प्रक्रियेला माननीय आयुक्त यांच्या प्रोत्साहनामुळे आज हे आपलं शहरासाठी बस सुविधा सुरू करण्याची जे एक स्वप्न होतं ते आज पूर्ण झालं आहे असं म्हणायला हरकत नाही। आपल्या ह्या बसेसचे रूट आपल्याला बदलापूर शहरामध्ये पूर्ण रूट आपल्याला नगरपालिकेनं चालवण्यास संमती दिलेली आहे। अंबरनाथ नगरपालिकेने आपल्याला त्यांच्या शहरात रूट चालवण्यासाठी संमती दिलेली आहे। आपली बसेस ज्या बदलापूर पर्यंत टिटवाळा पर्यंत भिवंडी आणि इकडे नवी मुंबई या सर्व रूटवर चालणार आहे। दर काय असणार काय भाडे दर ठरवणं चालवलं आहे आपलं दराचे फार मोठ्या नसणार आहेत साधारणतः 5 रुपयापासून सुरू होईल असं अपेक्षित आहे। आपलं छोटा जो फर्स्ट जे आपली स्टेज आहे ती फर्स्ट स्टेज 5 रुपयापासून सुरू होईल आणि ते स्टेजनुसार जे गव्हर्नमेंटच्या नॉर्म्स आहेत त्या नॉर्म्सनुसार पुढे स्टेजेस तिकीट ठरवलं जाणार आहे। बदलापूर अंबरनाथ उल्हासनगर या शहरामध्ये पर्यायी वाहतूक अशी नाहीये, उल्हासनगर महापालिकेनं सुरू केल्यानंतर त्याची जर मागणी वाढली या बसेसची तर भविष्यात या बसेस वाढू शकतात का? आपल्या 30 बसेसची निविदा प्रक्रिया आपण केलेली आहे, त्यातल्या 20 बसेस येणार आहेत आणि त्याशिवाय केंद्र शासनानं आपल्याला 100 बसेस मंजूर केलेल्या आहेत आणि त्या 100 बसेस सुद्धा आपल्याला लवकरच येणं अपेक्षित आहे। त्यामुळे भविष्यात कितीही प्रवाशाची मागणी असेल किंवा नागरिकांची मागणी असेल ते आपण पूर्तता करू शकतो अशी आपल्याकडे आता व्यवस्था झालेली आहे। आपल्या 10 बसेस डिसेंबर पर्यंत आपल्याला अपेक्षित आहे, 10 बसेस रोडवर येतील, त्यानंतर 2 ते 3 महिन्यात दुसऱ्या लॉट जो आहे 10 बसेसचा तो सुरू होईल आणि केंद्र शासनाकडून निविदा प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। केंद्र शासनाकडून साधारणतः 6 ते 7 महिन्यात 100 बसेस सुद्धा येण्याचं शक्यता आहे अशी अपेक्षा आहे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।